जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आज वेक्टर का टॉपिक आपको मैं समझाने वाला हूं, जिसमें हम लोग वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इन वन डायमेंशन, इन टू डायमेंशन दोनों को देखेंगे। तो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, बिकॉज इफ यू वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। स्क्रीन पे देखें, मैं आपको वेक्टर शो करके दिखा रहा हूँ। वेक्टर होते क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करे, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी रखा गया है। और जो क्वांटिटी ओनली एंड ओनली स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे मुझे 10 किलो स्वीट खानी है, स्वीट किसी भी डायरेक्शन से आ जाए तो स्वीट क्या हो गई, मास क्या हो गया, स्केलर। लेकिन अगर मुझे किसी के घर जाना है तो मुझे उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना होगा विथ सम स्पीड मैग्नीट्यूड, 80 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड किसी भी डायरेक्शन भागूंगा तो मुझे उसका घर नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर पोजिशन नहीं मिलेगी। तो अगर किसी के घर जाना है तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहेंगे, वेक्टर। तो आप स्क्रीन पे देखें, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है जो एक ब्लू एरो के फॉर्म में दिखा रहा हूं। इस ब्लू एरो की जो लेंथ है वो दिखाती है मैग्नीट्यूड, जिसको मैं हाइलाइटर के हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, और ये एरो बताता है डायरेक्शन। तो वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर। ये तो वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था। नाउ वेक्टर की जो मैथमेटिक्स है, वेक्टर एलजेब्रा, वो नॉर्मल एलजेब्रा से अलग होता है, इसलिए इसकी अलग ही मैथमेटिक्स है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वेक्टर एडिशन। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, एक मैंने वेक्टर चूज किया है, वेक्टर ए। आप इसका मैग्नीट्यूड अभी मैंने लेटेस्ट रिम स्क्रीन पे आप देखें 12 ले रखा है। इसका कम भी कर सकता हूँ, अधिक भी कर सकता हूँ, मैंने इसे अभी राइट नाउ 12 चूज किया है। दूसरा वेक्टर बी ये लिया है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैंने 8 किया। अभी आप देखें दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मीन्स लेटेस्ट रिम अगर ये फोर्स है तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो इस केस में अभी मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा, तो मैं सम पे क्लिक करूंगा। आप देखना, सम पे क्लिक करने के साथ ही इन दोनों का एडिशन आ जाएगा रिजल्टेंट। तो वैल्यू पहले मैं शो करके दिखाऊं, पहले मैं वैल्यू पे शो करके दिखाऊंगा कितनी किसकी वैल्यू है। तो ये मैंने वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए मॉड ए, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड 13 है, मॉड बी दैट इज 8। दोनों का रिजल्ट अब आप देखें कितना आ गया, ये 21, 8 प्लस 13। अब जैसे जैसे मैं ये चेंज कर रहा हूं, आप देखें मेरा रिजल्टेंट भी चेंज हो रहा है। 11 किया, 10 किया, 23 आ गया, और कम किया मैंने, 17 आ गया। वन मोर थिंग, वेक्टर हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पूरे स्पेस में हम कहीं भी इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। आप देखें अप डाउन बी को मैं कर रहा हूं, लेफ्ट राइट कहीं भी ले जा रहा हूं, लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। 17 है तो 17 ही रहेगा विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। आप देखें 13 को मैं बैक साइड में ले गया, 4 इसको मैं आगे लेके आ गया। अब आप देखें 18 है तो 18 ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा। तो कहने का यह मतलब है, नो मैटर आप वेक्टर को आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो आप स्पेस में कहीं भी शो कर सकते हैं। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताने जा रहा हूं, ये देखिए सब्ट्रैक्शन। एडिशन का उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर है, लेट अस सम दिस वेक्टर 13 और इस वेक्टर को मैं और मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देता हूँ, लेट अस सम दिस वेक्टर इज 16। नाउ अब मैं इस 13 को वेक्टर को निगेटिव बनाऊंगा, आप देखें इसको इसका डायरेक्शन मैं चेंज कर दिया। अब देखें दोनों का डायरेक्शन चेंज है, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 16। रिजल्ट क्या आ गया आपके स्क्रीन पे आपके सामने है, 16 माइनस 8, दोनों के डायरेक्शन चेंज, रिजल्ट इज 8। और मैं एक्सटेंड करूंगा निगेटिव, देखें आप 10, तो क्या आ गया 6। तो इफ यू चेंज द डायरेक्शन देन इट बिकम्स सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल ये रिलेशन है, डायरेक्शन क्या कर देनी है हमें, चेंज। जैसा कि आप देख रहे हैं वेक्टर बी का डायरेक्शन मैंने ए का डायरेक्शन चेंज किया है, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये था वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर वन डायमेंशन। नाउ मूव टुवर्ड्स द टू डायमेंशन। तो अब टू डायमेंशन के फॉर्म में आपको मैं शो करके दिखाऊंगा वेक्टर का एडिशन, द
नाउ सी मोशन इन टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन में जो वेक्टर होंगे उनका एडिशन कैसे करेंगे वो मैं आपको यहां पर शो करके दिखाता हूं। यहां पे मैंने वेक्टर ए लिया, इसका मैग्नीट्यूड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना है, 10। ऊपर की तरफ देखें, मैं आपको हाइलाइटर की हेल्प से भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है इसका, 10 दे रखा है। हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द मैग्नीट्यूड इज 10, एंगल कितना है 53, एक्स कंपोनेंट में इसकी वैल्यू कितनी है 6 और वाई कंपोनेंट में कितनी है 8, ये भी मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ 1 by 1। अभी मैं इस वेक्टर की वैल्यू बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, कम करना चाहूँ कम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें और बढ़ा दी 11, 12, whatever, ये एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है। अब यहाँ पे इस वेक्टर का एंगल देखें कितना है, तो मैंने एंगल पर क्लिक किया 45 डिग्री, एक्स कंपोनेंट 8, वाई कंपोनेंट इसमें भी आप देखें कंपोनेंट के फॉर्म में ax और ay, ये आपको कंपोनेंट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। इसका y कंपोनेंट 8 मैग्नीट्यूड शो कर रहा है और x कंपोनेंट भी 8, क्योंकि ये कितने पे है 45 डिग्री पे। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट कितना आ जा रहा है निकल के 11.3 मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। ये आप ट्राइंगल लॉ के फॉर्म में भी आप देख लें, 8 8 h² = p² + b² तो ये आपका वेक्टर ए का मैंने आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के फॉर्म में बताया, विच इज इंक्लाइंड इन एंगल 45। दूसरा वेक्टर मैं अब अगेन चूज कर रहा हूँ, ये मैंने किया वेक्टर बी चूज और इसको भी मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, 8 इसका बेस, 6 इसकी हाइट और बी इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 10 निकल के आया है। अंडर रूट आप करोगे 10 निकल के इसका आ जाएगा। और ये दूसरे फॉर्म में आप देख सकते हैं एक्स कंपोनेंट 6, ये मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ, सॉरी वाई कंपोनेंट इज 6 एंड एक्स कंपोनेंट इज 8 एंड एंगल इज 36.9। अब इसे एंगल अगर मैं चेंज करना चाहूँ चेंज कर दूँ, देखिए मैं एक्स और वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ये आप पे डिपेंड है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, नो मैटर। अब मैं इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए दो रूल्स आपको बताए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इवन यू कैन से ट्रायंगल लॉ ही एक तरह से पैरेललोग्राम लॉ है, बस हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको अलग अलग कर रखा है। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन में करके दिखाऊंगा, तो पहले ये मैं कंपोनेंट्स का फॉर्म हटा दूं। अभी आप देखें दो वेक्टर्स ए एंड बी, तो मैं लेट अस अज्यूम वेक्टर बी को कुछ इस तरह से मोल्ड किया मैंने, और हेड को वेक्टर बी के हेड को वेक्टर ए से कनेक्ट किया टेल में, जो ट्रायंगल लॉ बताता है, और इसका मैग्नीट्यूड लेट अस अज्यूम मैंने कुछ कम कर दिया या अधिक कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टेंट जो भी होगा आ जाएगा। अब इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो अब मैं देखिए सम पे क्लिक करूंगा और ये वॉयलेट लाइन आ गई रिजल्टेंट की, ये आपको वॉयलेट लाइन दिख रही है। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा 22.8 और एंगल कितने पे इंक्लाइंड होगा 23.2 डिग्री पर। तो आप देखें वेक्टर बी जिसका वैल्यू थी 13 और कितने डिग्री पे था 4.4 डिग्री, वेक्टर ए 11.3 कितने डिग्री पे इंक्लाइंड था 45, इनका रिजल्टेंट निकल के आया है 23.2 डिग्री और टोटल मैग्नीट्यूड आया 22.8। ये आपको वेक्टर एडिशन है टू डायमेंशन का। अब आप देखिए इस वॉयलेट लाइन को मैं यहां सेट करूंगा वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए का हेड, देखिए बिल्कुल सेट हो गई। अब ये रिजल्टेंट आप कहीं भी ले जाओ ये चेंज नहीं होगा, पूरे स्पेस में कहीं भी घुमा दो ना इसका एंगल चेंज होने वाला है ना इसका मैग्नीट्यूड, ये आप देखें ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा ये रिजल्टेंट भी अपनी वैल्यू चेंज करेंगे, देखिए ये मैंने वैल्यूज इसकी रिड्यूस करी, ये वैल्यू यहाँ मैंने रिड्यूस करी, ठीक है ये वैल्यू अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो फिर से क्या होगा रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज चेंज करना चाहूंगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू देखिए आप चेंज हो रही है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या हो गई चेंज हो गई। अब देखिए रिजल्टेंट फिर से इसमें यहाँ पे सेट बैठे, ये देखिए। तो ये था आपका वेक्टर का एडिशन इन टू डायमेंशन। हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, दो वेक्टर कंसीडर किए और उनकी हेड और टेल अटैच की, फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को हमने मैच कर दिया जो कि रिजल्ट
नाउ आपको वेक्टर सबट्रैक्शन बताने जा रहा हूं। तो ये देखिए वेक्टर सबट्रैक्शन, ये मैंने वेक्टर ए लिया जिसका मैग्नीट्यूड 8, सॉरी वेक्टर डी जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 30 पे, डीएक्स कंपोनेंट 6.9, डीवाई कंपोनेंट 4। आप देखें इसको मैं कंपोनेंट के फॉर्म में शो करके दिखा दे रहा हूँ, वैल्यू दिखा दे रहा हूँ एंड थीटा। यहाँ पे आप देखें 30 डिग्री, 4, 6.9 और ये इनका मॉडुलस कितना है 8। दूसरे फॉर्म में देखें 8, 4 एंड 6.9 इंक्लाइन विथ एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अगला वेक्टर मैं ई लूंगा, सी, दिस इज द वेक्टर ई। अगेन ई को वैल्यू मैं रिड्यूस कर रहा हूं दिस वन, तो ये कितनी आ गई 5, एंगल 50, ई एक्स कंपोनेंट 32, ई वाई कंपोनेंट 38, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना। नाउ इसमें मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताने वाला हूं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन होता क्या है, जैसे वन डायमेंशन में आपको बताया, जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे दो वेक्टर मैं चूज किए हैं, इसको मैं एक डायरेक्शन क्या करूंगा, एक का डायरेक्शन दूसरे से अपोजिट करूंगा। तो लेट स्टार्ट, यहाँ पे मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। ये देखिए मैंने वेक्टर चूज किए, दिस इज वेक्टर डी, हियर यू कैन सी, नाउ दिस इज वेक्टर ई, नाउ बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं इन दोनों के डायरेक्शन को अपोजिट कर देता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं वेक्टर डी का डायरेक्शन चेंज करूंगा, आप देखें स्क्रीन के ऊपर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। ये मैं इसका डायरेक्शन अपोजिट कर रहा हूँ। नाउ वेक्टर ई एंड डी बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। अब इनका सम जिसको कहेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू निकाला जा सकता है। आप देखें ये निकल के आ गया, ये इनका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं कितनी कितनी निकल के आई। 8 जो वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड था वेक्टर ई का, डी का मैग्नीट्यूड 9, एंगल कितने थे वेक्टर ई के लिए, एंगल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सेपरेटली, मैं करके दिखा रहा हूं दिस वन। वेक्टर डी के लिए एंगल -55 और रिजल्टेंट आया है -2.8 डिग्री। तो आप देखें ये जो रिजल्टेंट वॉयलेट कलर से दिखाया गया है, मैं हाइलाइटर की हेल्प से आपको दिखाता हूं, ये रिजल्टेंट माइनस डाउन साइड झुका हुआ है। आप देखें -2.8 डिग्री और मैग्नीट्यूड कितना आया है 9.8। तो कहने का मतलब दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना निकल गया है 9.2 और किस डायरेक्शन में फोर्स लगी -2.8 डिग्री। इसको फिर से मैं असेंबल करके आपको दिखाता हूं आप कन्विंस के लिए। ये यहां पे ले आए, ये देखिए ये ले आए यहां पर वापस, और ये बन गया इनका रिजल्टेंट। जैसे जैसे मैं इनका इंक्लिनेशन चेंज करूंगा, रिजल्टेंट भी आप देखो चेंज होता जा रहा है। तो एंगल चेंज किया या मैग्नीट्यूड चेंज किया, आप देखें रिजल्टेंट भी चेंज हो गया, दिख रहा है आपको, रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती चली जा रही है। तो कहने का ये मतलब है वेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड, जैसे अभी 15 कर दिया, 17 कर दिया, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया, आप देखें रिजल्टेंट क्या हो जाता है, चेंज। ये देखिए रिजल्टेंट चेंज हो रहा है, ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टू डायमेंशन में वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके नेक्स्ट, नाउ इक्वेशन की हेल्प से अब हम लोग वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे वेक्टर्स का। आप ये देखें स्क्रीन पे इक्वेशन लिखी है, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी ए माइनस बी। अब वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे। ये देखिए इक्वेशन लिखे a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहां से हम लोग चेंज करेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि c की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सो लेट स्टार्ट, यहाँ पे वेक्टर a एंड b स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, a एंड b जिनकी वैल्यू a और a है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हेड से टेल कर दे कनेक्ट। ये आप देखें मैं स्टार्ट करता हूं, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए, और इसको मैंने कनेक्ट किया इन दिस वे। अब मैं यहां पर सी पे क्लिक करूंगा, दैट इज रिजल्टेंट। ब्लैक कलर के एरो क्या बता रहा है, रिजल्टेंट वैल्यूज कितनी है इस ब्लैक कलर के एरो की, उसको भी आपको दिखा दूं क्लिक करके। ये देखिए
वेक्टर ए की वैल्यू 5, वेक्टर बी की वैल्यू 7.1, इंक्लाइन कितने पे थे ये, एक 90 डिग्री पे इंक्लाइन था वेक्टर ए, वेक्टर बी 45 पे, रिजल्टेंट निकल के आया 73.4 पे। अब यहाँ पे इस रिजल्टेंट को मैं देखिए अटैच किया इनिशियल और फाइनल से, आप देखिए बिल्कुल सेट हो गया दिस वन। नाउ इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ ए, आप देखें जब ए की वैल्यू चेंज करा रिजल्टेंट चेंज हो गया, बी की वैल्यू चेंज करूंगा रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं रिजल्टेंट चेंज हो रहा है। फिर से मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, वन किया मैंने, ये देखिए थ्री किया, फिर से देखिए टू वन, अब आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू किस तरह से वेक्टर ए और वेक्टर बी के वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। आप ये देखें फिर से मैंने इसे और चेंज किया टू, आप देखिए रिजल्टेंट थ्री, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली वेक्टर की वैल्यू चेंज होगी रिजल्टेंट चेंज होगा। ये a प्लस बी इक्वल टू सी का था, अब a माइनस बी इक्वल टू सी पे देख लें, दिस इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इक्वल टू सी। ये रिजल्टेंट आपको बताया था कि ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब हम करेंगे वेक्टर को तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नाउ a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे आप देखते जा रहे हैं सी एक्स की वैल्यू क्या है निगेटिव, सी वाई की वैल्यू क्या है निगेटिव, एंगल कितना बन रहा है माइनस 108.4 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग ने वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज किया इन टू डायमेंशन। अब ये वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर हो सकते हैं, फोर्स वेक्टर हो सकते हैं, मोमेंटम वेक्टर हो सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन का हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।